निकाय चुनाव नजदीक आते ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज नगर पंचायत से बसपा उम्मीदवार जफर अहमद ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जफर अहमद उर्फ बब्बू ने गत दिवस नगर पंचायत के सभी वार्डों का संघन दौरा कर संप्रदाय का एकता की जरूरतों को बताया। जफर अहमद उर्फ बब्बू ने एक जनसभा में कहा कि इस बार के चुनाव में बसपा जीत रही है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। नगर पंचायत डुमरियागंज में चुनाव बसपा ही जीतेगी और हम चुनाव जीत के नगर पंचायत डुमरियागंज को आदर्श नगर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। जनता हमारे साथ, हमारा साथ जरूर देगी और इस बार में जनता के प्रत्याशी बब्बू अहमद जफर के पक्ष में चल रही है और एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है 29 तारीख को। इस बार जो है जनता ने एकदम मन बना लिया है कि हम एक ऐसा सेवक चुनेंगे जो बहुजन समाज पार्टी का होगा और वो जनता के लिए काम करेगा। उसका नाम है बब्बू जफर अहमद बब्बू और वो जनता जनार्दन पूरे तरह से जहां भी बब्बू जफर अहमद बब्बू जाते हैं वहां जनता एक उमड़ते हुए सैलाब की तरफ इनका इस्तकबाल करती है और हम लोग भी एकदम बिल्कुल सब लोग जो है एकदम हथियार रख चुके हैं। यानी जितने भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत डुमरियागंज के और सब लोग अपनी हार मान चुके हैं। एक सिर्फ जो है प्रतिबद्धता पूरी कर रहे हैं, एक जो है अपनी बात को ऐसे रख रहे हैं लेकिन किसी में कोई दम नहीं बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दम है अगर किसी में तो बब्बू अहमद जफर है और जीत इनकी एकदम पक्की है और बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और जनता की दुआएं इनके साथ है, गरीबों की दुआएं, यहाँ के लाचारों की दुआएं, क्योंकि एक अच्छा सेवक इनको मिला है, रक्षक मिला है, भक्षक नहीं रक्षक मिला है और जनता इसको भुलाने जा रही है। 29 तारीख को हाथी वाला निशान का फैसला हो चुका।